श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा मेरी मम्मा ना 80 उम्र की आना नली के पर कैंसर निकला था। फिर हमने दवा दी दूल्हिया में, डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम दूल्हिया से लेके सूरत के लेके गए। सूरत में एक महीना पर दवा खाने में रुके। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला आप 7-8 केमो देंगे, फिर बाद में ऑपरेशन की करेंगे। मैंने बोला 80 वर्ष की उम्र की बूढ़ी, उनको कैसे केमो देंगे आप? हमने डॉक्टर को बोला हम घर पे लेके जाते। डॉक्टर को नहीं बोलते, नहीं बोले इतना घर पे आप मार डालेंगे। मैंने बोला नहीं, हमारे गुरुजी ना, गुरुजी का हम पानी देंगे ना, जल देंगे ना, वो जल से अच्छे हो जाते। हम शिवर आए मम्मी को डॉक्टर के घर से वो इधर लेके आए थे शिवर में भाव बीज दिवाली हमने यहाँ पे मनाई। 3 दिन इधर रुके, फिर घर पे चले गए। वहाँ यहाँ से गए ना, मम्मी ने 8 महीने तक नारियल के पानी पे थी ना। अभी 1 महीने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के हम रोज जल देते थे 8 महीने तक। तर मम्मा नारियल के पानी पे थे। अभी तर मम्मी खाना खाने लग गई। आधी रोटी खा लेती, कभी कभी 3 चटकोर खाती, कभी आधी भाकर खा लेती। अभी तो खाना खाने, इसलिए हम 7 दिन के लिए इधर पंडाल में आए हैं कथा के लिए, बाबा के लिए कुबेरेश्वर स्थान के दर्शन करने के लिए भी आए, मम्मी धन्यवाद देने के लिए भी आए। मम्मा को अच्छा कर दिया ना, इसलिए हमको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र धुळे जिल्हा दोंडाईचा हमारा गाँव है।